Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see chapter 1 from class 3 EVS book. The chapter is on Poonam's day out. Okay, let's see in detail. Ma, please let me go to school today. Ma, please aaj mujhe school jaane do na. I have been at home for the past 2 days. Main pichle 2 dinon se ghar pe hi hoon. I am getting bored, said Poonam. Main bore ho rahi hoon, aisa Poonam ne kaha. But you still have fever. Go outside and lie down on the coat, replied Ma. Ma ने कहा कि अभी भी तुम्हें फीवर है तो तुम बाहर जाओ और वहाँ पे जो चारपाई रखी है उस पर सो जाओ. पूनम fell asleep on the coat. पूनम चारपाई पर सो गई. Suddenly something fell on her face. अचानक उसके फेस पे कुछ गिरा. पूनम woke up at once and touched her cheek. पूनम पहले उठ गई फिर उसने अपने गाल पर टच किया. Oh no, whose mischief is this? अरे नहीं, ये किसकी शरारत है? इज इट द क्रोज और द पिजियंस? ये क्रॉ की है कि पिजियन की है? इट सीम्स इट इज द क्रॉ. मुझे लगता है कि ये क्रॉ की ही है. पूनम लुक अप, सी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. पूनम ने ऊपर देखा और देखा कि जो ट्री है वहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स है. विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर? आपको कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं ये जो ट्री पे, पिक्चर में जो ट्री दी है उसमें कौन से एनिमल आपको दिख रहे हैं? ओके, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो चलो हम देखते हैं कि किसके किस जानवरों के जो ट्री पे बैठे हैं. तो देखो, ये पिजियन, यहाँ पे एंट्स, स्क्विरल, क्रॉ, मंकी, ये टू बटरफ्लाइज, स्पैरो, मैना एंड हियर पैरट. ओके, हमें इतने एनिमल्स दिख रहे हैं जो हमने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए है. ठीक है. पूनम पिक अप अ लीव फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप हर चीक विद इट. पूनम ने जमीन पर से पत्ता उठाया और अपने जो चीक गाल थे जहाँ पे जो कौए ने बीट की थी वो साफ किया. ठीक है. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, पर अभी भी उनका जो गाल था वो चिपचिपा उसे लग रहा था. सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. उसने कहा मुझे नज़दीक में जो तालाब है वहाँ जाके अपने फेस को वॉश करना चाहिए. ठीक है. फिर वो यहाँ पे जो नज़दीक जो तालाब था वहाँ पे आ गई अपना गाल को वॉश करने के लिए. ठीक है. विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड. पूनम ने तालाब में कितने एनिमल्स को देखा? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम. पिक्चर में देखो और उनके नेम लिखो. तो देखो, पहले गॉट को देखा, फिर यहाँ पे टॉर्टोइस, ये बफेलोज को, फिर यहाँ पे जो बफेलो के ऊपर इग्रेट बैठा है, ठीक है, उसको हम सफ़ेद बगुला भी बोलते हैं. ओके, वो, फिर यहाँ पे फ्रॉग और ये क्रैब. ओके, कोई स्वान भी बोलता है. ठीक है. तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया. लेट्स सी नेक्स्ट. कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड. अपने पॉन्ड में, तालाब में जितने भी एनिमल्स देखे आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो? विच एनिमल मेक्स वॉट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट. कौन सा जानवर किस प्रकार के साउंड और मूवमेंट करता है? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड. आप भी उसी तरह साउंड निकालने की कोशिश कीजिए. ओके. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम. ओके, कोई है जो चल के जाता है, कोई है जो वो रेंगते हुए जाता है, कोई है जो उड़ते हुए जाता है और कोई है तो स्विम करके तैर के जाता है. ठीक है. फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स एंड सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल. ओके, तो जो ऐसा करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, कोई अपने पैर का यूज करता है, कोई अपने पंखे का यूज करता है और कोई है जो अपनी टेल का यूज करता है. ठीक है, टेल की मदद लेता है. ओके, जो जो स्विम करते हैं, ओके, उनको अपनी टेल की मदद लेनी पड़ती है. जैसे कि फिश, हमको पता है कि वो ऐसे अपनी टेल की मूवमेंट भी करती है और वहाँ पे जो पानी में हम देखते ही रहते हैं. ठीक है, जब भी वो स्विम करती है तब. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू. आपने भी बहुत सारे एनिमल देखे होंगे. राइट विच ऑफ देम. ओके, कैन फ्लाई. आपने जो देखे उसमें से कौन कौन से ऐसे जानवर है जो फ्लाई कर सकते हैं? तो देखो, बटरफ्लाई, पैरट, पिजियन, डव, ठीक है, स्पैरो, मैना, बहुत सारे हैं. आप लिख सकते हो. ठीक है, किसी का भी नेम यहाँ पे लिख सकते हो. कैन क्रॉल, जो क्रॉल करके जाता हो एक जगह से दूसरी जगह. तो अर्थवर्म, स्नेल, स्नेक, ओके, ये सब जो है वो क्रॉल करते हैं. कैन वॉक, तो काऊ, डॉग, बफेलो,
गॉड, शिव, टाइगर, ठीक है, बहुत सारे, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। कैन होप, जो होप करता हूँ, तो फ्रॉग, कंगारू, रैबिट, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो जंप लगा के जाएगा, उसको हम होप बोलते हैं, ठीक है। हैव विंग्स, जिसके पास पंखे हो, तो देखो स्पैरो के पास होती है, पिजन के पास, क्रो के पास, मैना के पास, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स है कि जिसकी होती है पंखे, उस उनके नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे। हैव फीट, ओके, जिसके पैर होते, काउ, सीप, डियर, डॉग, टाइगर, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हैव अ टेल, जिसकी पूंछ होती है, तो यहाँ पे देखो मंकी, काउ, कैट, रैट, ओके, बहुत सारे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे जो भी दिया है आंसर, ये सिंपल आंसर है, ओके, इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ओके। इट इज रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट्स प्रिपेयर द आंसर ऑन देयर ओन, ओके, बाय देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड ओन एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, ओके, एनिमल्स जो है वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, सम इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव अंडर द ग्राउंड एंड सम फ्लाई इन द स्काई। ओके, जो कोई एनिमल है वो झाड़ पे रहता है, कोई पानी में, कोई जमीन पे, कोई जमीन के नीचे, कोई हवा में वॉक करता है, स्काई में, ठीक है, वॉक करता है, आकाश, सॉरी, आकाश में फ्लाई करता है। सम एनिमल्स इवन लिव इन अवर हाउसेस, और कई जो जानवर ऐसे होते हैं कि जो हमारे घर में रहते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। ओके, आपको ये जो पिक्चर दिया है उसको ध्यान से देखना है, फिर क्या करना है, ऐसे एनिमल्स पे कलर करना है कि जो हमारे हाउस में नहीं रहते, ठीक है, डू नॉट लिव इन अवर योर हाउस, आपके हाउस में जो नहीं रहते हैं ऐसे एनिमल के ऊपर आपको कलर करना है, ठीक है। तो आप तो वो ये कर ही सकते हो, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको ये करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। ओके, यहाँ पे जो देखो ये जो पिक्चर है वो इनकम्प्लीट है, इसकी टेल नहीं ड्रॉ की है, यहाँ पे आगे वाला लेग नहीं ड्रॉ किया है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस जानवर की पिक्चर है, ठीक है। तो देखो ये डॉग की है, ओके, यहाँ पे फिश की देखो पीछे टेल नहीं ड्रॉ की है, तो फिर आंखें ड्रॉ नहीं की है, तो वो सब आपको कंप्लीट करके उनका नाम बताना है, ठीक है। यहाँ पे कॉकरोच देखो, तो यहाँ पे आगे दो एंटेनिया नहीं ड्रॉ किए, फिर उनके लेग्स नहीं बनाए, तो वो आपको कर देना है, ठीक है, और इसको इसका नाम भी यहाँ पे लिख देना है। ओके, हु एम आई, फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। ओके, आपको यहाँ से जो हिंट दी है उसमें से पता करना है कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्रॉसवर्ड दिया है उसमें से ढूंढ के उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो देखो, बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग। ओके, केला खाना मुझे बहुत पसंद है और मैं मेरा जो टाइम है वो कूदने में ही लगाता हूँ, ठीक है। और हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि छत पर बैठ कर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, तो पहचानो मैं कौन हूँ, तो ये हमारा हो गया मंकी। ओके, सेकेंड वन, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव, वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव। दीवालों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं, ठीक है, जो वहां से निकल ही ना पाए, ऐसा कौन है, ऐसे कौन से जाल है, जाल कौन बनाता है मतलब, तो ये है स्पाइडर। तो यहाँ ये रहा स्पाइडर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है, मैं यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, हमने भी सर्कल बना दिया, लेट्स सी नेक्स्ट। आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, पहचानो मैं कौन। सुनो ये क्या बोलता है कि मैं पूरी रात जागता हूँ एंड मैं कब सोता हूँ, जब मतलब दिन होता है, ठीक है, तब मैं सो जाता हूँ। और इसे इस तरह से भी बोलते हैं, जाग जाग कर रात बिताऊ, दिन निकले तो मैं सो जाऊ, ये कौन है, आउल। यस, यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे है आउल, ये रहा। ओके, सो लेट्स मेक अ सर्कल, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। क्रॉक 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 इज माई साउंड, इन वॉटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ओके, जिसकी साउंड क्या है, क्रॉक 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 करता रहता है, फिर
पानी में भी और जमीन में भी हमें देखने को मिलता है, वो कौन है? फ्रॉग। यहाँ पे ढूंढिए फ्रॉग कहाँ पे है। ये रहा फ्रॉग। सो लेट्स मेक सर्कल अराउंड फ्रॉग। ओके लेट्स सी नेक्स्ट। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं रेनफॉल के बाद दिखता हूँ और मेरे पैर नहीं है तो मैं रेंगता हूँ। ठीक है तो बताओ मैं कौन हूँ। अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बारिश के बाद नजर में आओ, पाँव नहीं पर रेंगता जाओ। तो ये कौन हो गया हमारा? स्नेल। ओके तो लेट्स मेक सर्कल अराउंड स्नेल। ओके लेट्स सी नेक्स्ट। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन वेन देर इज अ रेस। ओके ये तो आपको पता चल ही गया होगा। धीमी चाल से ही चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में जाऊं। ठीक है ये कौन है? तो ये टॉर्टोइस। वेर इज टॉर्टोइस? ये रहा टॉर्टोइस। ओके सो मेक सर्कल अराउंड टॉर्टोइस। ओके लेट्स सी नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर है वो कैसे बनाया है। देखो फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट का यूज करके बनाया है। ओके मैजिक विथ फिंगर्स, फिंगर का जादू। देखिए टेक अ लुक एट द पिक्चर, आप ये पिक्चर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स? ओके फिंगरप्रिंट्स को और थंब प्रिंट्स को आप अलग कर सकते हो कि कहाँ पे थंब का यूज हुआ है कहाँ पे फिंगर का यूज हुआ है। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल। यहाँ पे जिस तरह से बना है उसी तरह से आपको भी इंक का अदरवाइज वाटर कलर का यूज करके इस तरह से पिक्चर बनाना है जानवरों का। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, आपको अपने खुद के इमेजिनेशन के बेस पे बनाना है। ठीक है किसी के डू नॉट कॉपी दी वन सोन अबू। आपको यहाँ पे जो दिया है उनमें से एक की भी कॉपी नहीं करनी है। ठीक है आपको खुद बनाने हैं। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। आप जो पिक्चर बनाते हो उसका यूज आप अपने घर को डेकोरेट करने में या स्कूल को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हो। ठीक है तो देखो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनाना है, आपको दूसरा कोई जानवर का बनाना है। ठीक है लेट्स सी नेक्स्ट। लेट अस हैव सम फन इन योर नोटबुक, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। ओके चलो कुछ फन करते हैं। ठीक है तो देखो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक एनिमल का पिक्चर बनाना है जो आपने देखा हो। ठीक है मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, आपको 3 बच्चों का ग्रुप रखना है। ठीक है ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, और जो हर एक ग्रुप को एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। ओके एक ग्रुप इसका मतलब कि उसमें 3 बच्चे हो गए। ठीक है क्योंकि आपको 3 बच्चे वाला एक ग्रुप बनाना था, तो इसमें से एक ग्रुप में से एक बच्चे को क्या करना है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि सपोज ये पेपर है। ठीक है उसके आपको 3 हिस्से कर देने। कैसे? तो मतलब फोल्ड करके ये पहला वाला इस तरह से मोड़ देना है, दूसरा और इस तरह से। ठीक है 3 इसके पार्ट्स बनने चाहिए। ठीक है अब क्या कर रहेगा, पहला जो बच्चा है वो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे किसी जानवर का हेड ड्रॉ करेगा। ठीक है फेस ड्रॉ करेगा, फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल। ओके कोई भी फेस और उनकी जो गर्दन है वहां तक का पोर्शन कोई एक बच्चा ड्रॉ करेगा। ठीक है एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। फिर क्या करेगा कि वो जो पार्ट है पहला जो पार्ट जिसने ये बनाया है हेड और सॉरी फेस और नेक, वो पोर्शन वो हाइड कर देगा ताकि जो दूसरे बच्चा है उसको पता ना चला कि उसने पहले किस एनिमल का हेड और सॉरी फेस और नेक बनाया है। ठीक है फिर ये पोर्शन को इस तरह से हाइड कर दिया। ठीक है अब क्या करेगा वो, द सेकंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। यहाँ पे देखो ये जो है वो सेंटर पार्ट है पेपर का। ठीक है वहां पे दूसरा बच्चा कोई एक अपनी इमेजिनेशन पे, उसे पता नहीं है कि पहले बच्चे ने किस जानवर का फेस बनाया है, उसे पता नहीं है। वो ऐसे ही अपने आप इमेज करके वो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है एनिमल का मतलब जो बॉडी पार्ट आता है ठीक है वो यहाँ पे ड्रॉ करेगा। ओके फिर उसको भी वो हाइड कर देगा। ओके
फिर क्या हुआ, द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ एट अनदर एनिमल, ओके। फिर यहाँ पे फिर ये पोर्शन भी हाइड कर देगा, फिर जो तीसरा बच्चा है उसको देगा ये पेपर, और वो जो थर्ड चाइल्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई जो भी एनिमल्स है उसका फिट दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, फिट दौड़ेगा, क्योंकि नीचे बॉटम पार्ट में तो फिट ही आएंगे, तो वो फिट दौड़े ड्रॉ करेगा, ओके। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, फिर जो ये पेपर यहाँ पे इस तरह से अनफोल्ड किया है, जब जब वो थर्ड बच्चा दो ड्रॉ कर रहा था, तब ये आगे वाले दो जो थे, मतलब फेस का पार्ट और बॉडी का पार्ट, वो फोल्ड था, इसलिए उनको पता नहीं चला, उसने इस तरह ड्रॉ कर दिया। फिर जो ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, पेपर को अनफोल्ड कर देना है, ठीक है, वो फोल्ड जो किया था उसे खोल देना है, फिर इस तरह से सीधा हो जाएगा पेपर। तो फिर क्या करना है, डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल, आपको देखना है। देखो पहले बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे एलिफेंट का फेस ड्रॉ किया, ठीक है, फिर दूसरे बच्चे ने यहाँ पे इस तरह से डक की बॉडी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे बच्चे ने बनाया वो कैमल के पैर बना दिए, फिट बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर बना वो फनी नहीं लग रहा है आपको, ओके, ये फनी एनिमल लग रहा है। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड, अब जो आपके मतलब फ्रेंड्स ने बनाया है, ठीक है, उनके ग्रुप ने जो बनाया है वो आप देखिए, ओके, उन्होंने किस तरह से बनाया है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ओके, आपको क्या करना है, अब कोई भी ट्री के नीचे थोड़ा टाइम बिताना है, ओके, खड़े रहना है या बैठ के कैसे भी तरीके से थोड़ा टाइम बिताओ। ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं उनको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ओके। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, फिर आपने वहाँ पे जाके जितने भी एनिमल्स आपने देखे उनके नेम आपको नोट डाउन करने हैं। देखो ऑन दी ब्रांचेस, ब्रांचेस पे, ट्री के ब्रांचेस पे आपने किस किस एनिमल्स को देखा, तो देखो क्रॉ, मंकी, पैरट, या फिर कोई सॉरी स्पैरो बैठी है, कोई भी है, ठीक है, मैना है, कोई भी है, आप यहाँ पे लिखिएगा, ओके। ऑन द लीव्स, पत्ते पे आपको किस आपने किसको देखा, ठीक है, किस जानवर को, तो देखो वहाँ पे छोटे छोटे कैटरपिलर्स होते हैं, ग्रास ऊपर होते हैं, बीटल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, तो हम वही देखते हैं पत्तों पे, ठीक है। ऑन दी ट्रंक पे आप क्या क्या देखते हो, तो देखो स्क्विरल बैठी, स्क्विरल तो मतलब होती है, ठीक है, एंड टर्माइट मतलब जो दीमक बोलते हैं हम, ओके, वो भी होते हैं। ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पे, जमीन पे आप क्या क्या देखते हो, तो रैट को, स्नेक को, रैबिट को, ठीक है, हमें ये सब देखने को मिलते हैं, ओके। अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास आप क्या देखते हो, तो देखो काऊ होती है, डॉग होता है, कैट होती है, बफेलो भी होता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। आपने जो ऑब्जर्व किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ तीन ही नाम बताने हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताना है, ऐसा नहीं कि किसी की कॉपी करें आप, ठीक है। एंड मैं एक बात आपको भी ये क्लियर कर दूं कि दी आंसर में वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, ओके, बेज ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ओके, आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबने यही देखा हो, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, नाउ अरेंज दिस एनिमल इन दी ऑर्डर ऑफ देयर साइज, आपको ये जो आपने फिर लिखा है उनमें से आपको क्या करना है, उसकी साइज के हिसाब से आपको सबको अरेंज करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट बींग दी फर्स्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट तक आपको जाना है। तो देखो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा, तो ये टर्माइट, ठीक है, ये जो दीमक बोलते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, उसके बाद एंट आती है, उसके बाद छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, बीटल, इंसेक्ट होते हैं, वो आएंगे, उसके बाद कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, उसके बाद साइज में थोड़ा बड़ा रेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा पैरट, यहाँ से ही देखना है जो आपने पहले लिखा है उनमें से ही, ओके, आपके अराउंड जो है वो नहीं, लेकिन आपने जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है उनमें से आपको देखना है कि सबसे छोटा कौन है, और इनसे भी थोड़ा बड़ा 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 ऐसे करके आपको बिगेस्ट तक पहुँचना है, ठीक है। फिर देखो पैरट के बाद क्रॉक, स्क्विरल, स्नेक, रैबिट, कैट, ओके, डॉग, मंकी, काऊ, इस तरह से। लेट्स सी नेक्स्ट, जिक्सो पजल, ओके, ये इस तरह की जिक्सो पजल होती है, सब मतलब बच्चे खेलते ही होंगे, ठीक है, हम देखते हैं डिटेल में। इन अ जिक्सो पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर्स टुगेदर। जिक्सो पजल में क्या होता है कि आपको एक पिक्चर मतलब पहले तो ड्रॉ करना होता है, ठीक है, फिर उसको कार्डबोर्ड पेपर पे चिपका के उसको इस तरह से कट करो कि उसे मतलब फिर वो उलट सुलट होने के बाद फिर उसको चिपकाना बहुत हार्ड हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आसान हो, ठीक है, इस तरह से कट करना है।
नाउ मेक अ जिक्सो पजल यूजिंग द पिक्चर ऑफ एनी एनिमल. ओके, कोई भी एनिमल का पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए. पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड. ओके, उसको कार्डबोर्ड पे पेस्ट कीजिए. नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर. उसको एजेस से कट कर दीजिए. कट दिस कार्डबोर्ड इन टू अनइक्वल पीसेस. अनइक्वल पीसेस में कट करना है, ठीक है. अगर आप इक्वली मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीसेस में कट करोगे ऐसा नहीं, अनइक्वल. देखो यहाँ पे देखो कैसे किया है, इस तरह से अनइक्वल पीसेस में आपको कट करना है, ठीक है. ओके, गिव दिस पिक्चर्स टू योर फ्रेंड. फिर क्या करना है आपको, वो मतलब उलट पुलट करके आपको ये जो पिक्चर्स है वो आपके फ्रेंड को देना है. आपको वो पीसेस आपको आप फ्रेंड को देना है. आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल. फिर उसको क्या करना है, वो जोड़ मोड़ लगा के, ठीक है, फिर जोड़ लगा के उसको बताना है कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक है. देखो ये सारे मतलब जो पार्ट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा पहले से कि यहाँ पे इस तरह से पैरट आए, सॉरी पिकॉक आएगा, ठीक है. लेकिन हम जोड़ने के बाद वो बोल सकता है कि यहाँ पे इस तरह से पिकॉक का पिक्चर बन गया, ठीक है. तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. तो बच्चों बताइए आपको ये समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो, ठीक है. आई विल गिव यू सॉल्यूशन. ओके, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी ये देख सके, ठीक है, इस वीडियो को और समझ सके. तो और ये देखो हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल मेरे चैनल का नाम है. आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए. ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक बेल आइकन भी होगा, वहाँ पे भी आप प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में.